ಬೇಡ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಲೇಲೋಗಿ ಲೇಡೀಸ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಕಾ ಫೋನ್ ದು. ಹಾಂ ಸರ್ ಥೋಡಾ ಪೀಚೆ ಹೋಗಾ. ಹಾಂ ಯೆ ಥೋಡಾ ಕುಚ್ ಆಯೇ ತೋ ಕುಚ್ ಲೇಕೆ ಆಓ. ಹಾಂ ಉಧರ್ ದೇಖೋ ಪಹಲೇ ಬಾತ್ ಮೇ ಫಿರ್ ಟರ್ನ್ ಕರ್ನಾ ಇಧರ. मैं क्या कह रहा हूँ सपना, जरा सा पीछे जाओ बेड के इस तरफ, अपनी बाई तरफ, वहां से चल के आओ स्मार्ट पे, ठीक है? तो बात हेलो कश्मीरा बोलो. हेलो, ऑफिस से आते समय भिंडी लेते हुए आप, वैसे कोई मन नहीं है मेरा तुमसे बात करने का. हाँ, इसीलिए फोन किया था, यही बोलने के लिए फोन किया. हाँ, पास मत लो बीच में. हाँ, बोले तो डायलॉग यहाँ के बोलू कि बोलती हूँ? नहीं, बोलते बोल करो. बोलते हो थोड़ा सा वाइन इसके बाद ही नंदन एक क्यू पे कर दे कॉम्पैक्ट. ओके रोलिंग एक्शन. हेलो कश्मीरा बोलो. हेलो, ऑफिस से आते समय भिंडी लेते हुए आना, बस यही बताने के लिए फोन किया, बाकी मेरा कोई मन नहीं तुमसे बात करने. ये बहुत अच्छा हुआ, मन तो मेरा भी नहीं है. पता नहीं क्या अभी अभी पता है मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, और नहीं भी निकालते ना अभी तो कुछ दिन में निकाल ही देते, क्योंकि तुम तो हर बार फोन करती रहती हो मुझे मीटिंग्स के बीच में, तो सब सर गए मुझसे. और रही बात भिंडी की, तो आज मैं ले आता हूँ, कल से साबुदाने की खिचड़ी खाएंगे, क्योंकि नौकरी से निकाल दे तो कोई कमाने वाला तो है नहीं, है ना? अब मुझे बार बार फोन करके इरिटेट मत करो. रखो. ओके करते. वैसे तो आज मैं बहुत ही मेरी नॉट वेल, बिकॉज बहुत सर्दी हो रहा है मुझे और डायलॉग बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बट ठीक है. आज हम लोगों का सीन ये था कि संजू की लॉटरी खुल जाती है, संजू की लॉटरी खुल जाती है 5 करोड़ की, और मैं बहुत खुश हूँ. वो मुझे शॉपिंग पे भेजते हैं कि यार तुम शॉपिंग वॉपिंग करो, खूब ऐश करो, और मैं बड़ी खुश हूँ. लेकिन आगे क्या होगा ये तो शायद आपको एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा, तो देखिए. कितनी परेशान रहती हैं आप साजन से? मैं साजन से बिल्कुल परेशान नहीं रहती हूँ, लेकिन वो कुछ हरकतें ऐसी कर देते हैं जिससे मैं परेशान होने पे मजबूर हो जाती हूँ. तो ठीक है, अब हस्बैंड वाइफ है तो परेशानियाँ प्यार ये तो डेफिनेटली होता ही है. साजन तो हमेशा कहते रहते कि बीवी हमेशा परेशान मुझे कर देती है हमेशा. नहीं, मैं परेशान नहीं करती हूँ. मैं शायद हो सकता है कि मेरे शक से और मेरे तानों से वो काफ़ी परेशान रहते हैं, लेकिन जब दादी आती है तो सब कुछ ठीक हो जाते हैं, वो एकदम नॉर्मल. यूनिट के साथ कैसा आपका तालमेल? मेरी यूनिट के साथ मैं 9 साल से काम कर रही हूँ. मैं FIR करती थी, 9 साल से इनके साथ ही हूँ, और लगता ही नहीं है कि मैं
मतलब कहीं मेरे लिए नया शो है, मुझे ऐसे ही लगता है कि मैं मेरा एक घर जैसा, मतलब ये सब कुछ, मतलब सुबह आने के बाद ऐसा लगता है बस मेरा एक घर है ये, और बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ा मज़ा आता है। साजन के साथ कैसी केमिस्ट्री है आपकी? साजन के साथ ऑफ कैमरा या ऑन कैमरा? ऑफ कैमरा। ऑफ कैमरा बहुत अच्छी, क्योंकि संजू जो कि संदीप आनंद है उसके साथ मैंने काफ़ी काम किया है। FIR में हम लोग मतलब हिट जोड़ी के नाम से जाने जाते थे, अभी भी लाइफ ओके में हिट जोड़ी का नाम देते हम लोगों को, तो हम लोगों की कॉमेडी और पंचिंग और टाइमिंग बहुत बेस्ट है, तो लोगों को हमारा काम भी बहुत पसंद आता है और मुझे भी बहुत खुशी होती है कि मुझे वही जोड़ी फिर से मिली और ईजी हो जाता है हर काम। मतलब 9 साल तक कैसा एक्सपीरियंस था उसके बारे में? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे डायरेक्टर माइंड ब्लोइंग, शायद मैंने उनसे ही एक्टिंग सीखी है कि कॉमेडी होता क्या है। तो मैंने 500 कैरेक्टर किए हैं FIR में, उसके लिए मुझे अवार्ड भी मिला है, टेली अवार्ड, और बहुत कुछ सीखने को मिला और बड़ा ही मज़ा आया, क्योंकि आप एक ही रोल करते हो तो आपको उसी में मतलब रहना पड़ता है, एक रोल पे ही रहना पड़ता है, लेकिन जब आप अलग अलग कैरेक्टर करते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ऑडियंस भी आपको पसंद करती है कि अच्छा ये भी टैलेंट है। तो जब हम अलग अलग किरदार निभाते हैं तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। इतने सारे आपने किरदार, उसमें से कोई खास आपका किरदार है जो अभी भी आपको याद है? मतलब अभी भी वैसे मैं भूतनी में बड़ी ही फेमस हूँ, आपने देखा होगा कि काफ़ी मैंने FIR में भूतनी का रोल किया है, और भाभी जी में भी मैंने एक रोल किया था जिसमें चुड़ैल बनी थी मैं, और काफ़ी लोगों ने पसंद किया, और मेरे जो डायरेक्टर है शशांक सर वो तो मुझे बोलते हैं बेस्ट भूतनी क्वीन है ये, और यहाँ पे भी मुझे दादी का मिल ही गया। बात करें बॉलीवुड की, आजकल बायोग्राफी मूवीज आ रही है जैसे कि क्रिकेटर्स अजर है, धोनी है, और एक मूवी है सरजीत भी आई है, तो इन दोनों में कितना अलगपन आप देख रही हैं? वैसे देखा जाए तो मैंने मूवी देखी ही नहीं है अभी तक, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता, और जैसे ये मूवी जो बन रही है इंटरेस्टिंग, मतलब कुछ हट के तो अच्छा लग रहा है कि हमारा बॉलीवुड अलग जोन में भी जा रहा है, तो सभी को फोकस मिल रहा है इस बात को। जैसे कि 90s का दौर था, कुछ मतलब जैसे कि भी शर्मो हया एक पन दिखता था, और अब का दौर है कि जितना शर्मो हया नहीं है उतना ज़्यादा लोग हैं, तो कितना मतलब अलग तरह का आपको दिख रहा है ये सिनेमा? जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाता है वैसे वैसे आपकी उम्मीदें भी बढ़ती जाती है कि अरे ये तो देख लिया अब क्या नया है। तो जो बॉलीवुड का जो चक्कर है वो अलग अलग व्यू दिखाना चाहता है पब्लिक को, कि अभी इससे बोर हुआ है तो थोड़ा और अब तो देख ही रहे हैं आप कौन सा जोन आ चुका है कि डबल मीनिंग और ये सब। तो जो लोग पसंद करते हैं मेरे ख्याल से उसी को देखना पसंद करते हैं लोग। इसी तरह से आम आदमी का बदला बदल, जैसे कि एक पति है वो हमेशा अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरों पर ही लाइन देता है, वो तो हर पति, मैं ये नहीं कहती कि सभी पति एक जैसे होते हैं, लेकिन उनकी फैंटेसी इतनी होती है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वो वाली बात होती है। ऑफकोर्स बीवी से ही प्यार करता है हस्बैंड, लेकिन उसकी भी कुछ अपनी उम्मीद होती है, तो वो बस उसी में ख्वाबों में घूम जाता है, लेकिन घर तो उसको पत्नी ही मिलने वाली है, सो उसका कुछ नहीं कर सकते। गर्मियाँ बहुत मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगी, शायद हम लोगों को वो एहसास नहीं होता है, क्योंकि हम घर से निकलते हैं तो एसी गाड़ी में आते हैं, हम जब शूट पे आते हैं हमारा एसी रूम होता है, हम जब फ्लोर पे जाते हैं तो एसी रहता है, तो हमें इतना पता नहीं चलता। लेकिन जो लोग लोकल ट्रेन में जाते हैं, जो सुबह से शाम बेचारे धूप में खड़े होके जाते हैं, मैं उनके लिए बड़ी ही मुझे बड़ा ही लगता है कि वो लोग कैसे मतलब अपना दिन निकालना इतनी गर्मी में धूप में घूमना, हम लोगों को पता चलता है बट इतना नहीं जितना वो लोग जर्नी करते हैं, सो सैल्यूट है उनको। गर्मी से बचने के लिए मैं यही टिप देना चाहूँगी कि खूब पानी पिए, नारियल पानी पिए, और अपने स्किन को एकदम पानी की तरह कांच जैसा बना दीजिए। मैं आई कम इन मैडम के ऑडियंस को कि आप प्लीज़ मैं आई कम इन मैडम देखिए, और कश्मीरा का शक देखिए, बॉस की नज़ारे देखिए, और देखते जाइए और खूब इंजॉय कीजिए और अच्छे फीडबैक दीजिए। दैट्स इट। थैंक यू।
थैंक यू। मुझे रोमांस करना। अरे यार पहले भी मेरे रोमांस के कीड़े मेरे सो गए, तुम भी सो जाओ। तुम कोई ध्यान नहीं दे रहे जाओ। चुपती है सोना। मैंने यार क्या कर रही है यार, क्यों मेरी जान के पे क्यों नहीं सोने दोगी? क्यों नहीं सोने दोगी? मैंने क्या बिगाड़ा यार तुम्हारा? मुझे रोमांस करना। मेरे रोमांस के कीड़े सो गए, तुम अपने रोमांस के कीड़ों को शांत करने के लिए दीवारों से जाकर रोमांटिक बातें करो। क्या फालतू की बातें करो सचिन, दीवारों से कोई रोमांस करता है क्या? यार पर मेरा भी रोमांस का मन नहीं है कश्मीरा यार, प्लीज कुछ तो मुझ पर रहम करो। प्लीज यार कुछ तो मुझ पर रहम करो संजू, तुम रहम करो पे वो तकिया ले लेगा मुंह के ऊपर। तुम उस पर रहम करो संजू, तुम बदल गए हो। नहीं बदला हूँ यार मैं, फिलहाल मेरे हालात बदल गए हो, सो जाने दो वरना मेरी तबीयत भी बदल जाएगी, बिगड़ जाएगी। जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। हाँ इस लाइन पर संजू 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 सो जाओ। अरे यार प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, मैं बहुत थक गया हूँ। अरे क्या कर रही हो यार, ये चुभ रही है तुम्हारी जुल्फे मुझे। अच्छा यही जुल्फे शादी के पहले तो तुम्हें मखमल और मुलायम लगती थी, कितनी बार बोलते थे तुम मुझे बेबी तुम्हारी जुल्फे मेरे चेहरे पे डालो ना, बेबी तुम्हारी जुल्फे मेरे चेहरे पे डालो ना, और अब डाल रही तो तुम्हें चुभ रही है। हाँ क्योंकि शादी के बाद तुम्हारी जुल्फे बहुत ही सख्त और नुकीली हो गई हैं, चुभती हैं, मुझे सोने दो यार। ना मैं नहीं सोने दूंगी। अरे यार क्यों नहीं सोने दोगी यार, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अरे यार उठो, मेरे रोमांस के कीड़े सो गए, तुम अपने रोमांस के कीड़े शांत करने के लिए ना जाकर दीवारों से रोमांटिक बातें करो बेडरूम में। संजू ये कैसी बातें कर रहे हो, दीवारों से कोई रोमांस करता है क्या? यार लेकिन मेरा मन अभी नहीं है रोमांस करने का यार, कश्मीर प्लीज मुझ पर रहम करो यार। संजू तुम बहुत बदल गए हो। अरे यार मैं नहीं बदला हूँ यार, मेरे हालात बदल गए कश्मीर, और मुझे प्लीज सो जाने दो वरना मेरी तबीयत बदल जाएगी, बिगड़ जाएगी यार। मैं नहीं बदला हूँ, तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे मैं नहीं बदला हूँ यार कश्मीरा, मेरे हालात बदल गए, मुझे सोने दो वरना मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी यार, प्लीज जाओ सो जाओ। थैंक यू। तो तुम बर्तन साबुन से धोती हो कि लिक्विड से? लिक्विड से। साबुन में बहुत मेहनत लगती है। लाइट बंद करो। ओके क्लोज करना तो ना, ये लास्ट भी है। अपने लेफ्ट साइड में जरा हाथ से बाहर लगा लो, वाइड कट कर लेफ्ट लेफ्ट। रोलिंग करो। हाँ एक्शन। देखो संजू को चेहरे पर, संजू तो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, किसी और में इंटरेस्ट ले रहा है क्या? देखो तुम तो उड़ जाओ। चलो यार चलो चलो चलो।